मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे लेग्स की वर्कआउट। सबसे ज़रूरी चीज़, आज वोटिंग चल रही है और हम लोग अंदर जिम करने आए हैं, तो जिम तो छोटा है नहीं, जिम तो करना ही है। आज करते हैं लेग, उसके पहले पीते हैं प्री वर्कआउट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री वर्कआउट मील मैंने लिया, अब प्री वर्कआउट भी, अब दोनों कंपैरिजन एक दूसरे से नहीं है, अलग अलग है। तो प्री वर्कआउट पीते हैं और चलते हैं जिम। उसके पहले मैं दिखाता हूँ आपको वार्म अप। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि दो तीन वार्म अप बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये कुछ वार्म अप है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करेंगे लेग्स का वार्म अप, जो ऐसा भी है। ये सारे वार्म अप लेग्स को शुरू करने से पहले ये करना होता है, आप सब लोग भी करना, बहुत ज़रूरी होता है ये। और ये सारे वार्म अप करने के बाद ही लेग को शुरू करना, ताकि इंजर्ड और जो भी पेन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, चांसेस उसके बहुत ही कम होते हैं। और उसके पहले मेरी बैक दर्द हो रही है, वो उसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लूँगा, बैक की पेन थोड़ी कम रहे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है आपको? एक मैसेज है आप लोग के लिए। कल मेरी बैक वर्कआउट थी, ठीक है, और मैं अपने लिमिट से ज़्यादा शायद वेट उठा लिया, इसलिए बैक पेन हो रहा है। ठीक है, इंजर्ड तो नहीं हुआ बट बैक पेन हो रहा है। तो आप लोग के लिए एक मैसेज है कि कभी भी किसी को देख करके वेट ना मारे, अपने कैपेसिटी से ही वेट को लिफ्ट करें। किसी को देख के कुछ नहीं करना, हमको अपने लिए करना है जो करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं लेग्स वर्कआउट शुरू करने। अब हम लोग चलते हैं स्टार्ट करने लेग वर्कआउट। आइए, बस खाली होने वाला है, लेग चल रहा है पहले से। थोड़ा हाथ को थोड़ा वाइल करिए, थोड़ा दूर रखिए, दूर चलिए। हाँ हाँ, अब चलते 100 kg। अब चलते हैं 100 kg। कोशिश करूँगा 8 रैप निकालने के लिए, ठीक है।
देखते हैं कितना रेपिटेशन निकलता है इससे। फुल डीपी मारना है उसको भी। वन टू थ्री फोर फोर फाइव 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 थ्री मोर फाइव सिक्स सिक्स एट निकल गया। एट कंडीशन 100 kg फुल डीप। चलो देखते हैं और कितना ज्यादा ऊपर। अब चलते हैं लिफ्ट करने। 4 repetition जाना चाहिए। देखिए कितना जाता है। 4 repetition रेडी भैया। हाथ पूरा लिफ्ट कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा ऊपर से सपोर्ट। हाँ रेडी। थोड़ा नीचे बैठाइए। एक और ये था हमारा 4 या 5 repetition जो कि बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट बार 8 repetition इसी वेट से। वक्त हम जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग भी बने रहना। अब चलते हैं लेग प्रेस की तरफ। ठीक है लेग प्रेस की तरफ चलते हैं और इसको फुल रेंज ऑफ मोशन में मारते हैं। बहुत लोग हाफ हाफ मारते हैं और पैर पूरा स्टंट कर लेते हैं। वेट ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। ये ऐसे करते हैं पूरा स्टैंड कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। फुल रेजिस्टेंस से मारना है फुल रेंज ऑफ मोशन में। ऐसा पूरा नीचे पूरा ऊपर नहीं ले जाना। पूरा स्टैंड नहीं करना पैर को। जो कि आपको ऐसे ही मारना है एकदम परफेक्ट। मज़ा आ गया लेग में। लेग में तो मुझे मज़ा आता ही है। अगर अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है तो लेग इसको पहले लग करिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। अब चलते हैं तीसरे वर्कआउट की तरफ। लंजेस जो बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी दर्द एक दिन बाद पता चलती है। देखते क्या होता है यार। वेट तो ज़्यादा है वैसे। ठीक है कोई बात नहीं। ये था हमारा तीसरा वर्कआउट। लंजेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। ये देखो आप पूरा पंप हो गया। ये मैं लगाता हूँ सपोर्टर के लिए। बहुत ज़रूरी होता है ये। अब चौथे वर्कआउट की तरफ चलते हैं। ये हमारा चौथा वर्कआउट जो मज़ा आ जाता है। फिलहाल तो वेट फुल है। थोड़ा सा और वेट ऊपर से डालेंगे हम हाथ से। 4 repetition लगाने के बाद वेट लेंगे। तो देखते हैं। 1 2 3 4 ये था चौथा वर्कआउट। मुझे लगता है सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा है। इसको मारना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो ज़्यादा वेट लेके ही वर्कआउट की तरफ। जो
ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग कवर करता है अपना। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। टू थ्री फोर फाइव। ये था हमारा पांचवा वर्कआउट जो कि बहुत ही अच्छा कंप्लीट हुआ। लेग वर्कआउट्स मतलब हर पार्ट को मैंने कवर किया। आप लोग भी अपने वर्कआउट में, अपने लेग्स वर्कआउट के रूटीन में इसे ऐड करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा पंप होगा। ये देखो आप, बहुत अच्छा पंप होगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सबसे ज़रूरी चीज़ इस वीडियो को सेव करो। थैंक यू सो मच।